अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। बदमाशों की बदमाशी के चलते एक मां ने खो दिया अपना लाल और आरोपी घूम रहे हैं खुले, डर के साए में है पीड़ित परिवार। जी हां, मामला है रथौती का, जहां पंकज अपने परिवार के साथ मौसेरे भाई की लड़की की शादी में गया था। शादी में रथौती के ही रहने वाले दो हिस्ट्री शीटर बदमाश देवेंद्र और मोनू भी अपने अपने साथियों के साथ शादी में पहुंचे थे। एक दूसरे को सामने देखते ही दोनों ने रंजिशन एक दूसरे पर फायरिंग करना शुरू कर दिया। दोनों ही ये भूल गए थे कि आसपास शादी में मेहमान भी हैं, अगर किसी को उनकी गोली लग जाए तो स्थिति कितनी गंभीर हो सकती है, इसका उनको शायद अंदाजा भी नहीं था। और फिर वही हुआ जिसका डर था, एक गोली पंकज को जा लगी। देखते ही देखते लोगों में भगदड़ मच गई। इस घटना की जानकारी पीड़ित परिवार ने उसी दिन थाने में देते हुए रिपोर्ट दर्ज भी कराई थी, जिसके चलते एक आरोपी मोनू को जेल भी भेज दिया गया। वहीं अन्य आरोपी अभी भी बाहर घूम रहे हैं। यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या गलती थी एक माँ की जिसने अपना लाल खो दिया, क्या गलती थी एक बहन की जिसने अपना भाई खो दिया, और क्या दोष है पीड़ित परिवार का जो इंसाफ के लिए एसएसपी कार्यालय गुहार लगाने पहुंचा। आपको बता दें, पीड़ित परिवार को अभी भी आरोपी पक्ष धमकी दे रहा है कि फैसला कर लो, नहीं तो तुम्हारा भी वही हश्र होगा जो पंकज का हुआ है। पीड़ित परिवार डर के साए में जी रहा है। आज एसएसपी ऑफिस पर पहुंचा पीड़ित परिवार इस बात का प्रमाण दे रहा था कि वो किस कदर डर के साए में है। आपको बता दें कि इंसाफ की गुहार लगाने पहुंची पंकज की मां एसएसपी ऑफिस के बाहर ही बेहोश हो गई। इस दर्द को केवल वही जानती है जिसने अपनी आंखों का तारा, इकलौता सहारा खो दिया हो और अब डर के साए में इंसाफ के लिए ठोकरें खा रही हो। आइए जानते हैं क्या कह रहे हैं पंकज के परिजन। भैया मेरा नाम अब्दुल है। आप क्यों आए? भैया हमारा पड़ोस में एक बच्चा जो पंकज, हम रछौती गाँव में थे शादी में, वहाँ इन्वाइट थे, वहाँ पर दो बदमाश जो काफ़ी दो चार के साथ आए थे हथियार से, आपस में गोली चलाने लगे, तो उसमें हमारे बच्चे के गोली लगी सिर पर और वो ख़त्म हो गया। उसमें एक गिरफ्तारी हुई भी है और कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई अभी तक। आज इस बात को 4-5 दिन हो गए, कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए हम साहब के पास आए थे अपनी दरख्वास्त लगाने के लिए कि इसमें गिरफ्तारी हो, क्योंकि हमें कुछ धमकियाँ मिल रही है, हम पे दबाव बनाया जा रहा है कि इसमें आप सुलह कर लो, नहीं तो जो हाल पंकज का हुआ है वो हाल हमारा होगा। बच्चे का क्या नाम था? पंकज सर, उसका 19 साल की उम्र थी पंकज। आज कप्तान साहब से मिले? कप्तान साहब, हाँ, साहब ने आश्वासन दिया है पूरी कार्रवाई के लिए और पूरा भरोसा हमें, साहब के पास आए थे, उन्होंने कहा भी हमारे थाने से कि इसमें फौरन कार्रवाई हो, गिरफ्तारी हुई। हाँ सर, 25,000 के लिए कहा उन्होंने हमारे सामने। इस खास खबर में बस इतना ही। देखते रहिए फर्स्ट बाइट .tv।